उत्तराखंड के चमोली में बीते दिनों प्राकृतिक आपदा का विकराल रूप देखने को मिला। ग्लेशियर टूटने के कारण चमोली में भारी नुकसान हुआ, जहां पानी के तेज बहाव के साथ काफी कुछ बह गया। प्लांट से लेकर पुल और घर तक को इस हादसे में नुकसान हुआ। अभी तक कुल 15 शवों के मिलने की खबर सामने आई है, जबकि 100 से अधिक लोग गायब बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर सेना तक अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। वहीं घटना स्थल से 1000 किलोमीटर दूर प्रयागराज तक गंगा किनारे के इलाकों में हाई अलर्ट किया गया है। गंगा किनारे के अधिकांश स्थान खाली करा लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से हुई त्रासदी को देखते हुए यूपी में गंगा किनारे स्थित 11 मंडलों और 27 जिलों को हाई अलर्ट कर दिया गया। इन जिलों के DM व वरिष्ठ पुलिस अफसरों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए। अयोध्या से वाराणसी जाते समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अलकनंदा गंगा की सहायक नदी है, उसका जलस्तर बढ़ने से गंगा का जलस्तर भी बढ़ सकता है, इसलिए प्रदेश में गंगा नदी के करीब 1000 किलोमीटर तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंगा के प्रवाह को नरोड़ा और बिजनौर के 2 बैराजों पर संभालने की कोशिश कर रही है। परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने SDRF को भी अलर्ट कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संकट की घड़ी में यूपी सरकार उत्तराखंड सरकार के साथ है, उत्तराखंड सरकार की सभी आवश्यक मदद की जाएगी, पीड़ित परिवारों और नागरिकों के प्रति हमारी संवेदना है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।